दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2022 गुरुवार। जी हाँ दोस्तों, आज की जितनी भी महत्वपूर्ण भर्तियां बनती है उनकी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 17 मार्च 2022 गुरुवार की 5 विभागों में लेटेस्ट भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी दोस्तों, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, बैंकिंग सेक्टर, स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी लेटेस्ट भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए सुनहरा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 17 मार्च 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, जो यहां पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें सेलर्स की, सेलर्स के लिए यहाँ पर 2500 वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर सेलर्स आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 500 वैकेंसीज है और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट SSR के लिए भी 2000 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए 29 मार्च 2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 5 अप्रैल 2022 है। रिटर्न एग्जाम की डेट मई या जून 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 21,700 से 69,100 है लेवल 3 के अंतर्गत। योग्यता की अगर बात की जाए तो 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। फीस की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिना आवेदन शुल्क जमा किए आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, BFT और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर। फिजिकल डिटेल की अगर बात की जाए तो हाइट 157 सेंटीमीटर है। रनिंग 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 उठक बैठक आपको इसमें लगाने होंगे और 10 इसमें आपको पुशअप लगाने होंगे। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें हेल्थ वर्कर फीमेल की, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। टोटल यहाँ पर 824 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 मार्च 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 अप्रैल 2022 है। जी हां दोस्तों, यहां पर मिस्टेक से मार्च लिखा गया है, यहां पर ये 13 अप्रैल 2022 है। बात अगर इसके यहां पर सैलरी की जाए तो सैलरी 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट इन बेसिक हेल्थ वर्कर फीमेल से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 42 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, वूल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। UKMSSB.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ये भर्ती होगी NCC स्पेशल एंट्री स्कीम 52 कोर्स अक्टूबर 2022 के माध्यम से।
55 वैकेंसीज निकली है। इसमें मैन के लिए 50 है, वोमेन के लिए भी 5 वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 अप्रैल 2022 है। सैलरी की अगर इसमें बात की जाए तो लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग और SSB इंटरव्यू मेडिकल एग्जाम से चयन होगा। बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम NBCC के अंतर्गत भर्ती निकली है। जूनियर इंजीनियर JEE की पोस्ट है। 80 वैकेंसीज निकली है। डेट की बात की जाए तो आवेदन इसके लिए भी 15 मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 अप्रैल 2022 है। बात अगर इसमें आप इसकी सैलरी की जाए तो 27,270 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 28 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। UROBC WS के लिए ₹500 फीस है। ST PWD को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो इसमें आपका चयन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। NBCCIndia.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक में, राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के अंतर्गत भर्ती निकली है। बैंक असिस्टेंट की पोस्ट है। 79 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए आज ही से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 मार्च 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 अप्रैल 2022 है। सैलरी की अगर इसमें बात की जाए तो 28,425 से 87,125 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 2A 2B 3A 3B जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 फीस है। SC ST के लिए ₹500 फीस है। बात अगर इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है karnataka.apex.com। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 17 मार्च 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी आप यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं सभी भर्तियों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।